हेलो स्कॉर्पियोज सन मून एंड राइजिंग वेलकम टू माई चैनल ड्रीम Tarot. कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स के हवाले से रीडिंग है और ये एक जनरल रीडिंग होगी जो कि आप सरजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती ओके okay, सो so ये एक जनरल रीडिंग होगी जो कि आप रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती आपसे पूर्व मैसेज को कंसिडर करें जो आपसे रेजोनेट करते हैं इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें मेरे दूसरे चैनल उसको सब्सक्राइब करें और मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें फॉर लाइसेशन और अगर आपको उसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो भी आप उससे मेरे इंस्टाग्राम पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और अगर आप मेरी जनरल रीडिंग्स के लिए मुझे डोनेट करना चाहते हैं पेपाल पे तो कर सकते हैं उसके अलावा एक टाइमलेस मैसेज है कभी भी आपसे रेजोनेट कर सकता है सो so, स्कॉर्पियोस देखते हैं कि आपके पार्टनर की ट्रू इंटेंशंस क्या हैं टूवर्ड्स यू और आर स्कॉर्पियोज पार्टनर ट्रू इंटेंशन टूवर्ड्स दैम ओके सो यहाँ पर सिक्स ऑफ कप्स है और किंग ऑफ सोर्स एक और मैसेज लेते हैं ओके फोर ऑफ़ पेंटिकल्स और अंडरनीथ आपके पार्टनर की टू तो इंटेंशन के हवाले से है एस ऑफ बॉन्स एस ऑफ कप्स ओके टू एसेस पेंटिकल्स दिज थ्री कार्ड आर वेरी ब्यूटिफुल तो आपके पार्टनर मुझे लगता है कि रिकनसिलिशन चाहते हैं आपसे एक पैशनेट न्यू बिगनिंग चाहते हैं इमोशनल न्यू बिगनिंग चाहते हैं दिस टू कार्ड्स आर वेरी ब्यूटिफुल सो so, और आपसे हो सकता है वो एक कॉन्ट्रैक्ट में बनना चाहते हैं मींस की शादी शादी में एक कॉन्ट्रैक्ट होती है तो वो आपसे शादी करना चाहते हैं या फिर आ, यहाँ पर जस्ट आपकी जो एग्जिस्टिंग मैरिज है उसी में एक न्यू बिगनिंग हो रही है नई शुरुआत हो रही है वो चाहते हैं ऐसा न्यू नई शुरुआत करना और यहाँ पर रिकन्सिलेशन भी चाहते हैं वो लाइक हो सकता है वो बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं और अपनी जो मेमोरीज़ हैं उनको याद करें पास की मेमोरीज़ बहुत उनको याद करें नोस्टैल्जिक हो रहे हैं पास के हवाले से और या तो आप उनके चाइल्डहुड से हैं चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं या चाइल्डहुड uh, लवर हैं या फिर आपके साथ उनकी बहुत सारी मेमोरीज़ हैं जो कि वो याद करते हैं बहुत बहुत ज़्यादा याद करते हैं लेकिन वो बहुत ज़्यादा कोल्ड हार्टेड हैं और उनकी जो सोच और अप्रोच है टूवर्ड्स यू वो इमोशन लेस है वो इमोशन emotion, कितने इमोशनल हो रहे हैं आपके लिए वो आपको शो करना नहीं चाहते वो अपनी फीलिंग्स को अपने अंदर तक रखना चाहते हैं ठीक है वो या तो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो रहे हैं बहुत ज़्यादा पोजिसिव फील कर रहे हैं फॉर यू जिसकी वजह से वो लाइक like, प्रोटेक्ट करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को और यह प्रोटेक्शन शायद उनको उनको लगता है कि अपने इमोशंस को ज़्यादा शो करने से आती है लाइक अब अगर उन्होंने ज़्यादा इमोशन्स शो कर दिए तो शायद ओके okay, सो so, um, उनको शायद ऐसा लगता है कि अगर वो ज़्यादा इमोशंस को शो करेंगे तो शायद वो आपको दोबारा से खो दें तो वो ऐसा या वो अपने इमोशंस को छुपाना चाहते हैं जस्ट प्रोटेक्शन के लिए या तो अपने इमोशंस को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं वो आपसे कहना नहीं चाहते हैं कि उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स क्या हैं बट वो निक नया स्टार्ट और एक प्रैक्टिकल न्यू बिगनिंग चाहते हैं आपके साथ ओके, okay. सो so, देखते हैं कि इस सिचुएशन का आउटकम क्या है उनके लिए क्या वो उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है नेक्स्ट एक्शन फ्रॉम देम उनके तरफ से नेक्स्ट एक्शन क्या है क्योंकि यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा कोल्ड हार्टेड लग रहे हैं मुझे सो so, स्टिल वो लाइक like, रिग्रेट कर सकते हैं पछता सकते हैं अपनी इस बिहेवियर के ऊपर के वो लाइक अपने चाहते तो हैं आपको अपनी लाइफ में लाना या एक नया स्टार्ट करना चाहते हैं लेकिन वो हो सकता है कह नहीं रहे आपसे तो इस सिचुएशन पे वो मजीद रिग्रेट कर सकते हैं ये सिक्स ऑफ कप जो है वो फाइव ऑफ कप में बदल सकता है लाइक बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर सकते हैं वो नॉस्टाइल्जिक होते 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 वो बहुत ज़्यादा पेन uh, में जा सकते हैं तो इसीलिए लिए रिग्रेसन भी हो सकता है उनको कि उन्होंने आपसे कहा क्यों नहीं सोट सी के और उनका नेक्स्ट एक्शन में क्या हो सकता है या नाइट ऑफ कप कि वो आगे आ सकते हैं आपके पास आपसे बात करने के लिए और आपको अपना कप ऑफ लव शो करने के लिए वो एक एक स्टेप ले सकते हैं इमोशनली हो सकता है पहले वो बहुत ज़्यादा इमोशनली सोच रहे थे लाइक like, बहुत ज़्यादा रिजट होकर सोच रहे थे कोई फैसला नहीं ले पा रहे थे तो अब वो जो है अब इमोशंस के साथ सोचेंगे क्योंकि इमोशनल लॉस फील करेंगे तो इमोशन् से सोचेंगे और फिर वो इस रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करेंगे लाइक like, अब इस रिलेशनशिप को आपके साथ प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे वट इज़ द फोर ऑफ पेंडिकल फोर ऑफ पेंडिकल वट इज़ दिस तो so, क्लैरिफाई करते हैं या yeah, विक्ट्री वो चाहते हैं विक्ट्री इस रिलेशनशिप में बट उनके एक्शंस जो हैं थोड़े इमिच्योर हो सकते हैं लेट्स सी कि यहाँ पे रोमांस है की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस आता है रोमांटिक फीलिंग्स योर फीलिंग्स आर रियल एंड बर्थ एक्सप्लोरिंग तो उनकी जो फीलिंग्स हैं वो रियल हैं आपके लिए और uh, उनको रियल फीलिंग्स का पता चलेगा आपके लिए कि उनकी क्या है इस सेपरेटिव सेपरेशन में बहुत ज़्यादा नॉस्टेल्जिंग होंगे तो उनको अपनी इस कोल्ड बिहेवियर का जो है वो नुकसान पता चलेगा और फिर वो इमोशनल होकर सोचना शुरू करेंगे तो इमोशनल फीलिंग्स रोमांटिक फीलिंग्स को वो अपने अंदर से बाहर निकालेंगे फॉर यू ओके सो देखते हैं वन मोर मैसेज गिव योर रिलेशनशिप अ चांस वर्कआउट योर पार्टनरशिप तो यहाँ पर आपने अपनी रिलेशनशिप को एक चांस देना है और अपने पार्टनरशिप पर वर्कआउट करना है सो ये यूनिवर्स की तरफ से उनके लिए आपके लिए मैसेज है फ्रॉम यूर पर्सन लाइक यूनिवर्स के तरफ से आपके मैस आपके पार्टनर के लिए मैसेज चाहिए सो देट वॉज योर रीडिंग इफ इट दस इन इट यू लेट मीन कंफर्म इन अ कमिंग ब्लो लाइक माई वीडियो सब्सक्राइब मैं चाह रहा हूँ थैंस फॉर वॉचिंग